हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो एक ऐसे बुजुर्ग का अपनाया हुआ है जिन्होंने कभी भी जिंदगी में दवाई नहीं खाई, यानी कि उन्हें दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सी दवाई ली? दोस्तों, अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है या फिर संसाधन मौजूद है, उनके अनेकों फायदे बताए गए हैं। आज आपको हम उन्हीं में से एक ऐसी औषधि, ऐसे पत्ते के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसमें पाए जाने वाले तमाम औषधीय गुणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक औषधि, एक जड़ी बूटी है। इसके अंदर विटामिन सी, प्रोटीन और बहुत सारे लाभदायक पदार्थ मौजूद हैं। सभी न्यूट्रिशन की मौजूदगी के कारण अनेक प्रकार के रोगों में पान के पत्ता, जिसका इस्तेमाल हमने करना है, पान के पत्ते के फायदे काफी अधिक हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पान के पत्ते का उपयोग किस बीमारी में और कैसे किया जाए, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो ये पान का पत्ता है, ये वात के लिए सुपर औषधि है, यानी कि वात के रोगों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया औषधि है। पान के पत्ते के औषधीय गुणों का वर्णन चरक संहिता में भी किया गया है। चलिए एक एक करके जानते हैं पान के पत्तों के फायदों के बारे में और इसका उपयोग कैसे करना है। आजकल जोड़ों में दर्द बहुत आम सा हो गया है, बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि युवाओं में भी ये दर्द देखने को मिल रहा है। गठिया के कारण चलने में दिक्कत आती है, एक ही जगह पर लगातार बैठे रहने से, काम करते रहने से पैरों में दर्द, कमर दर्द होने लगता है, शरीर में अकड़न आने लगती है। अगर आप शुरुआत में इन समस्याओं को दूर कर लेंगे तो आपको कभी भी इस तरह की गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में या फिर गिलास के अंदर पानी भरकर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले तांबे के बर्तन वाला पानी पी लीजिए। आप उसे हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ ये पानी हमारे शरीर के जो जोड़ हैं, उनमें जो दर्द होता है या फिर वात इकट्ठी हो चुकी है, उनको दूर करने का काम करता है। पानी पीने के बाद आपने एक पत्ता पान का लेना है और उसके अंदर 1 ग्राम के बराबर, यानी कि एक चने के बराबर आपने चूना लगा देना है। चूना बस इतना की हो, जैसे कनक का दाना होता है इतना, और आपने इसे चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप पान का पत्ता चबाना नहीं चाहते, तो जब आपने रात को तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखा था, तो आप उसी के अंदर मैश करके पान का पत्ता भी मिक्स कर दीजिए और सुबह आप इसके अंदर वो जो आपको मैंने चूना बताया है, कनक के दाने जितना, वो भी इसमें मिक्स कर दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इस पानी को पी लीजिए। आप इस पानी को छान कर भी पी सकते हैं। 15 दिन लगातार अगर आप इस तरीके से तांबे के बर्तन का पानी प्लस चूना और आपने जो पान का पत्ता है खा लीजिए, या फिर इसका जैसे मैंने आपको बताया पानी पी लीजिए, तो ऐसा करने से आपके अंदर कैल्शियम भरपूर हो जाएगा। साथ ही साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ है। ये आपकी हड्डियों में होने वाली सूजन को बिल्कुल दूर कर देगा, हड्डियों को मजबूत कर देगा। पान के पत्ते के इस्तेमाल से आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुखाम, छाती में या फिर आपके फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हो चुकी है, सांस लेने में तकलीफ आती है, तो ये समस्याएं भी पान के पत्ते के इस्तेमाल से दूर होती हैं। इस पानी को पीने के अलावा सांस की तकलीफ में या फिर सर्दी खांसी की तकलीफ में आपने क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और इसे हल्का सा तवे पर गर्म कर लेना है। ये जो तवे पर गर्म हुआ पान का पत्ता है, जिसके ऊपर सरसों का तेल लगा हुआ था, इसको आपने अपनी छाती के ऊपर रखना है, यानी कि लंग्स के ऊपर रखना है। ऐसा करने से सर्दी, जुखाम, खांसी ये मेल्ट होकर बाहर हो जाएगी, कफ बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा शुगर जैसी भयंकर बीमारी में भी पान का पत्ता काफी उपयोगी है। दरअसल पान की पत्तियां हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सभी को ठीक करने का काम करती है। यदि आप पान की पत्तों का अर्क निकाल कर भी अगर आप सेवन करते हैं, तो ये एंटी डायबिटिक की तरह काम करती है। ये ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम करती है। इसके अलावा अगर कब्ज की समस्या रहती है, तो पान के पत्ते का नियमित तौर पर सेवन करने से डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। जो भी खाना खाते हैं वो बहुत अच्छे से पच जाता है। मुंह के अंदर आपके दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, तो वो भी ठीक हो जाती है। इस एक पत्ते को आपने चबा कर ही अंदर निकलना है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया मैश करके तांबे के बर्तन में भिगो कर ही रख दीजिए,
सुबह छान कर पी लीजिए या फिर वैसे ही पी लीजिए। अगले फायदे की बात करें तो ये भूख से संबंधित समस्याओं या फिर पेट खराब होने की समस्या में भी पान का पत्ता जबरदस्त फायदा करता है। दरअसल पान के पत्ता भूख लगाने में और हार्मोनल अगर इंबैलेंस हो चुका है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करता है। इसीलिए क्या करना है, खाना खाने के बाद आपने एक पान का पत्ता चबा लेना है, अच्छे से चबा कर उसे अंदर निगल लीजिए, तो आपका खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा और पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, जैसे कि गैस, अपच, एसिडिटी या कब्ज की समस्या। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदरूनी कमजोरी की समस्या रहती है, तो उनको भी रोजाना पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करना है। दोस्तों पान के पत्ते के बेमिसाल फायदे हैं, अगर डिटेल में बताया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। दोस्तों सिर दर्द की समस्या है तब भी आपको पान के पत्ते का इस्तेमाल करना है। आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं फिर भी पान के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान है तब भी पान के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। गठिया हो चुका है फिर भी पान के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। आपको हाई ब्लड प्रेशर है तब भी आप पान के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। यानी पान का पत्ता आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने और सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है और इसका स्वाद भी काफी अच्छा होता है। ये नहीं है कि आप इसे खा नहीं सकते, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।